तो मैं आज एक अपने मित्र फोटोग्राफर जो बलिया जिले के एक छोटे से कस्बे गढ़वार में बैठे हैं और वो शादियां रिकॉर्ड करते हैं, उन लोगों की संतुष्टि के लिए रिकॉर्ड करते हैं, उन लोगों की कुछ अपने सुख के लिए कि परिवार के लोगों की वीडियो बने, लोग देखें शादी में कि माहौल को समझें इसके लिए। लेकिन चाहे अनचाहे कुछ ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड हो रही है जो आज से कुछ दशक बाद जब लुप्त हो जाएगी तो उसकी अहमियत बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। वो किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है, इसके पीछे मनु किस तरह से काम करते हैं और अपने मन में क्या रखते हैं, इनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। इनका कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक किसी भी वर्ग की शादी हो उसमें सबका कोई न कोई योगदान रहता है, तो हम उनके जवान से सुनेंगे। नमस्कार, मनु गुप्ता बलिया से। ये शादी ब्याह में जो बुजुर्गों ने बनाया है वो बहुत ही सोच समझ करके बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हर बिरादरी इसमें मिलती है, और जैसे दलित वर्ग हरिजन बोलते हैं, इनका शुरू में ही काम आता है। ये मानर पूजने का काम होता है, तो डफरा या डुग्गी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसी पर पहले वो पूजते हैं, उसको लगाते हैं, सब हल्दी वल्दी लगा करके पूजा करते हैं, फिर उस पे चावल और पान वन लगा करके फिर लेते हैं अपने आंचल में। कुम्हार का काम होता है सीढ़ी डोलाई का काम होता है, वो जाते हैं मूर्ति टाइप का कुछ बनता है वो बनाते हैं लोहा वो कुम्हार, और गुड़ जो भूजा भूजते हैं उनका भी काम होता है, वो लावा भुनवाने के लिए औरतें जाती हैं गाना गाते हुए आती हैं, फिर वहाँ भुनाई करती हैं लावा का। उठाओ उठाओ जब ये चीजें लुप्त होती चली जाएगी, ये भी लुप्त हो जाएगी जो आप कर रहे हैं, कुछ नई चीज आ जाएगी। लेकिन इमेज के चूंकि दौर में हुआ है,
और ये YouTube पर, Facebook पर और तमाम जो साधन है ये उसको जिंदा रखेगा और कई पीढ़ी बाद भी आसानी से समझ जाएंगे लोग कि मेरे दादा परदादा के यहाँ के समय में ये भारत देश कैसा था। है पहले के लोगों को याद करने का हमारे पास साधन है, क्या है कि बुजुर्गों से सुना है, लेकिन आज जो हमारे पास साधन है हम आंखों से देखते रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी देखेंगे। ये अभी भी लगभग शहर में इस तरह के कम धीरे धीरे ये प्रोग्राम लुप्त होता जा रहा है, शहरों में या होटलों में ये चीज हो ही नहीं रहा है। क्योंकि मेरा ये काम है कि मैं अपने लोगों को शिक्षित करूं, हमारे इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग और ज्यादा आने वाले दिनों में शिक्षित होकर के समृद्ध हो, इसका प्रयास मेरा चैनल कर रहा है। तो मनु जी मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर बिल्कुल ध्यान रखें और अगर ध्यान नहीं किए थे तो अब से ध्यान कर ले। आपके पास अपार पूंजी है चीजों की, जिसकी वैल्यू आज नहीं है वो वैल्यू बाद में आएगी। इमेज के जमाने में हर क्लिक और हर वीडियो वैल्यूएबल है, वो पैसे से बिकता है।